मीटिंग हुआ डाउन आ जाओ। फिर दोबारा दो फ्रेम लेती हूँ। यस फ्रेम है एक्स वाई जेड। ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ओ डैश। ये तो एस फ्रेम है जो कि कैसा है स्टेशनरी, और ये कैसा है मूविंग। ये स्टेशनरी फ्रेम है और ये मूविंग फ्रेम है। अब इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, इंसिडेंट हुआ मतलब टक्कर हुई, कोलिजन हुआ। ये फ्रेम मूविंग था, ये फ्रेम स्टेशनरी था। ये जब आपकी कोलिजन हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो हो रही है वो ओरिजिनल लेंथ है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वो दोनों कारें आके मूव करती हुई टक्कर हुई थी। तो उसने ये वाला फ्रेम जो था वो भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो जो इसकी टाइम मिलेगा वो तो ओरिजिनल मिलेगा। और इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये आदमी दूर खड़ा होकर देख रहा है, ये जितनी वेलोसिटी ये मूव कर रहा है उतनी वेलोसिटी से ही मूव करती हुई कारों ने टक्कर कर दी, तो ये तो ओरिजिनल टाइम नोट करेगा और ये इमेजिनरी टाइम नोट करेगा। ये इस पॉइंट पर आके आपकी दोनों की इंसिडेंट हो जाता है, मतलब टक्कर हो जाती है। टक्कर होने की वजह से ये ओरिजिनल टाइम नोट करता है, ओरिजिनल टाइम नोट करेगा तो टी नॉट, वहां पर ओरिजिनल लेंथ ली थी हमने एल नॉट ली थी, यहाँ पर ओरिजिनल टाइम ले रही हूँ टी नॉट। देखो अब जरा टी नॉट क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम क्या मतलब क्या है, जैसी टक्कर हुई उसने घड़ी देखी, टक्कर का आके टकराना उसने दो टाइम नोट किए, एक तो था टी टू डैश फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे ही तो लिखते हो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में टी, और ये वाला कैसा आएगा टी टू माइनस टी वन। ये आपका महसूस किया गया टाइम है जो स्टेशनरी फ्रेम से महसूस किया है, ये वाला आपका ओरिजिनल टाइम है। अब आ जाओ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहला था आपका ओरिजिनल टाइम, टी नॉट टी टू डैश माइनस टी वन डैश, और ये मेजेंट टाइम टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। हमें ये पता है इस बार ये ज्यादा होने वाला है ये कम होने वाला है। अब इसमें टाइम में रिलेशन है तो लॉरेंस, अब वही मूविंग फ्रेम के लिए तो लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम करेंगे, लेकिन अब एक्स वाले नहीं करेंगे, अब कौन से काम करेंगे टाइम वाले। चलो टाइम वाले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाती हूँ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, टी, या तो टी डैश वाली निकाल लो या टी वाली निकाल लो, या तो इनवर्स लॉरेंस की लिख दो
क्योंकि एक में वैल्यू रखनी है दूसरी निकालनी है, आप या तो डैश में रख लो या इनवर्स वाली करवाई थी बिना डैश वाली लिख दो। टी बराबर कितना था, पीछे वैल्यू देखो जो कल वाले स्क्रीनशॉट है उसमें लिख रखा है मैंने। मैं एस प्राइम को एस डैश में लगा रही हूँ, तो मतलब ये वाला है जो इनवर्स लॉरेंस है। लॉरेंस मत लिखना, इसे लिखना इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये थी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें दो टाइम है टी वन और टी टू। टी वन निकालती हूँ उसके लिए, टी वन डैश प्लस वी एक्स वन डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस दिख रहा है नीचे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो टी वन डैश आ गया, टी वन आ गया, अब टी टू निकालते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, मैं रफ करूँगी अब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टी टू निकालती हूँ। टी टू इक्वल्स टू, टी टू निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, टी टू डैश वी एक्स टू डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों निकल गई टी वन और टी टू की वैल्यू। अब पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये थर्ड है ये फोर्थ है। Putting the value of equation third and fourth in equation second, second में रख रही हूँ। टी बराबर टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या ये टी टू डैश प्लस वी एक्स टू डैश। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पर x1 डैश और x2 डैश लिए हैं, एक पोजीशन है x1 डैश और x2 डैश, तो पोजीशन टक्कर होने की, टकराने की, भली आप s फ्रेम से देख लो भली s डैश फ्रेम से देख लो, पोजीशन तो सेम ही है। ऐसा थोड़ी ना है s जो मूविंग फ्रेम है जो s डैश फ्रेम है उसके लिए तो दूसरी जगह टकराया और जो वहां खड़ा है पर्सन उसके लिए दूसरी जगह टकराया, नहीं। पोजीशन क्या है, सेम है, टाइम अलग अलग नोट जरूर करते हैं लेकिन जो एक्सीडेंट हो रहा है वो प्लेस सेम है। तो मतलब जो एक्स पोजीशन है वो क्या है, दोनों फ्रेमों के लिए सेम है। अगर सेम है तो यहाँ एक्स वन डैश नहीं आएगा क्योंकि आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, टाइम में चेंज हुआ है तो केवल टाइम चेंज होगा। सेम इसमें पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है तो एक्स टू डैश नहीं आएगा, केवल टाइम चेंज हुआ है तो टाइम में चेंज आएगा। अब वैल्यू रख दीजिए इन दोनों के अंदर, x डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस टी वन डैश वाली रखिए, टी वन डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नहीं लिया हो तो मैं रफ कर रही हूं। टी इक्वल टू एलसीएम ले लेते अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी टू डैश वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर माइनस टी वन डैश माइनस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर। इससे कैंसिल, t
इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर टी इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश किसके बराबर था टी नॉट ओरिजिनल टाइम अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर दे आर फोर टी नॉट इक्वल्स टू टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वहाँ पर जस्ट अपोजिट निकला था वहाँ निकला था एल बराबर एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर तो एल तो आपका कम था एल नॉट ज़्यादा था यहाँ पर टी नॉट कम है और टी ज़्यादा है दे आर फोर टी नॉट इज लेस दैन टी ये रिलेशन बताता है कि जो इमेज जो ओरिजिनल टाइम होता है वो इमेजिनरी टाइम से कम होता है टाइम डायलेशन के अंदर उधर उल्टा था कॉन्ट्रेक्शन लेंथ कम होती है ओरिजिनल लेंथ से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका देखिए यूनिट सेकंड के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं अपन लोग ने पहले पढ़े आइंस्टीन के पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकंड फिर पढ़े लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हमने पहले उसका पोजीशन निकाली एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश फिर निकाले हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस के अंदर ही फिर निकाला एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस के अंदर ही फिर बात करी हमने लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की फिर बात करी है टाइम डायलेशन की अभी तक मैंने केवल चार टॉपिक कराए इस यूनिट के समझ में आया यूनिट थर्ड ही चल रही है और यूनिट थर्ड के अंदर आपने चार टॉपिक पढ़े और जो भी पढ़ा है अभी तक वो सब आपने मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो चैप्टर सेकंड में यूनिट फर्स्ट के सेम एज इट इज डिट्टो आपको उधर मिला था वही आपने अभी तक यहाँ पर कंप्लीट किया है अब इसके बाद आएगा रिलेटिविस्टिक मास रिलेटिविस्टिक मास मतलब अभी तक आपने देखा था कभी वेलोसिटी में चेंज आ रहा था कुलीजन होता है तो क्या होता है बिफोर कुलीजन तो वेलोसिटी अलग अलग रहती है आफ्टर कुलीजन चेंज हो जाती है लेकिन अब जो पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे मास में चेंज होना मास में चेंज होने का मतलब कुलीजन से पहले जो दो मासेस हैं कुलीजन के बाद वो मासेस चेंज हो जाते हैं कैसे चेंज होते हैं ये बॉल इस बॉल से टकराती है टकराने के बाद वेलोसिटी तो चेंज होती होती है और संग में आपने एक पढ़ा होगा इन इलास्टिक कुलीजन दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं मूव करते हैं एक फिक्स वेलोसिटी से वहां पर मासेस के अंदर चेंज आता है दोनों पहले तो अलग अलग मासेस होते हैं दोनों मासेस बाद में क्या हो जाते हैं ऐड और फिर चलते हैं तो मतलब बिफोर कोलिजन तो मासेस चेंज होते हैं अलग होते हैं और आफ्टर कोलिजन मासेस दोनों के ऐड हो जाते हैं तो चेंज आ जाता है मास के अंदर ये आपका रिलेटिविस्टिक मास मतलब मास के अंदर चेंज आना मास चेंज होना ऐसा कौन सा एग्जांपल है फिजिक्स का कोई भी ऐसा नॉर्मल चीज बताइए यूनिवर्स में आप जो जनरली यूज करते हैं जिसमें मास में चेंज आता है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में मास चेंज हो रहा है ऐसा मुझे कोई एक एग्जांपल बता दीजिए फिजिक्स में पढ़े हुए हैं ट्वेल्थ में भी पढ़ाए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें मास चेंज होता है मास वेरिएबल है मास में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में आ रहा है नहीं आ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है मास चेंज हो रहा है एग्जांपल बताइए मुझे कोई दोनों बच्चे क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ाने जा रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ मैं कोई ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर मास तो वेरिएबल हो लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो वो मुझे एग्जाम्पल बताइए एक पढ़ाऊंगी मैं अभी जस्ट वही टॉपिक इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से और पूछ भी इसलिए रही हूँ क्योंकि पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा होता तो मैं पूछती भी नहीं क्लास के अंदर क्या हुआ नहीं आता अच्छा चलो छोड़ो अब मैं बता देती हूँ रॉकेट देखा होगा सब लोगों ने रॉकेट क्या होता है जब छोड़ा जाता है रॉकेट को यहां से अर्थ से भेजा जाता है तो रॉकेट के अंदर पूरा अच्छे से फ्यूल
भर के भेजा जाता है और रॉकेट की फिक्स वेलोसिटी की जाती है, इस वेलोसिटी से फटाक ऊपर स्पेस में पहुंच जाए। जब वो जाता है तो उसके अंदर फ्यूल भरा होता है और फ्यूल क्या होता है, जलता है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है लेकिन ऊपर जाते जाते फ्यूल जलता जाता है, जलते जलते वो पीछे नीचे धुआं निकालता जाता है। जब अर्थ पर होता है तो मास ज़्यादा होता है, जैसे जैसे वो ऊपर हाइट कवर करता जाता है उसका मास क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें से फ्यूल कम हो रहा है, फ्यूल जल रहा है। फ्यूल जलने की वजह से रॉकेट जैसे ही ऊपर जाएगा उसकी उसका मास क्या हो जाएगा, कम। वो एग्जाम्पल है आपका रिलेटिविस्टिक मास का। आ गया समझ में? ये पढ़ रखा था ना, नहीं पढ़ रखा था, अब याद आ गया होगा। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने 12th के अंदर रॉकेट वाला, कि जब जैसे ही रॉकेट धरती पर होता है, पृथ्वी पर होता है, तब तो उसका मास अलग होता है, लेकिन जब उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर भेजा जाता है तो रॉकेट में जो भरा हुआ फ्यूल है वो जल जाता है। इसकी वजह से रॉकेट का मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक तो ये एग्जाम्पल है, एक दूसरा एग्जाम्पल और है, वो देखियोगी गेहूँ पीसने वाली मशीन होती है उसमें बेल्ट लगाई रहती है, ऐसे लगी रहती है बेल्ट, और ऊपर से आप गेहूँ डालते जाते हो, डालते साहब वो तो वहाँ टूट जाता है, तो मास में क्या होता है, चेंज होता है, वो टूट के अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब मास में क्या हो गया, चेंज। और नीचे आटा मिला आपको, उसमें से कुछ कचरा बाहर निकल गया, तो मास डाला आपने कुछ, मिला कुछ, मास में चेंज हो गया। लेकिन उस मशीन की वेलोसिटी फिक्स है, वो जो बेल्ट बन रही है, जो चल रही है वो मशीन, उसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, लेकिन उसके मास में क्या आ रहा है आपको, चेंज। डाल गेहूँ रहे हो, नीचे से निकल आपका आटा रहा है, और जो कचरा निकल रहा है वो बाहर जा रहा है। तो जितना मास डाला उतना मास मिला नहीं, मास में क्या आ गई, कमी आ गई। तो वो भी एग्जाम्पल किसका, एक वेरिएबल मास का। आया समझ में? दोनों एग्जाम्पल्स, रॉकेट वाला और जो बेल्ट वाला। ऐसा नहीं है गेहूँ ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्रशर है, पत्थर टूटते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेल्ट वाले, जिसके अंदर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है और मास चेंज होता है। क्लियर है? रिलेटिविस्टिक मास। अब मैं आपको यही टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, रिलेटिविस्टिक मास वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं डाली हो तो, लिया हो तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं क्या इससे? 51 तो हो गया, ज्यादा पढ़ाई नहीं करूंगी, कर लेते करते हैं। चलो थोड़ा बीच में छूटेगा फिर क्लास। अच्छा बस करूं, क्योंकि मैं टॉपिक स्टार्ट इसलिए करने की नहीं सोच रही, क्योंकि आज स्टार्ट कर दूंगी तो पूरा नहीं हो पाएगा, और दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएंगी 4, फिर आपका रह जाएगा। इसलिए सोच रही हूँ मैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद ही स्टार्ट करूँ नया टॉपिक, ठीक है? कुछ अगर पूछना हो तो फिर पूछ सकते हो। कल से छुट्टियाँ हैं दिवाली की, है ना? अच्छा हाँ, 16 तक हैं, 17 को क्लास लगेगी। अब 16 तक छुट्टियां हैं और 17 को क्लास लगेगी, 4 दिन की छुट्टियां, 13, 14, 15, 16, 17 से वही जो क्लास का टाइमिंग है, वही टाइमिंग रहेगा, सब कुछ शेड्यूल वही है, और कल से छुट्टियां स्टार्ट है। कुछ आपको पूछना हो तो पूछ लो मेरे से, नहीं पूछना तो क्लास बंद करते हैं। कोई क्यूरी है दोनों बच्चों की? अच्छा एक बात और, आपको नोट्स अवेलेबल अब हो ही जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, मैंने यहाँ पर दे दिया नोट्स तुम लोगों के, और उसके अंदर टेंसर वाला पार्ट नहीं है। उसमें टेंसर वाला पार्ट जो होगा या तो ऑफलाइन स्टार्ट होगा या फिर बाद में भिजवाऊंगी मैं। जो फर्स्ट यूनिट करवाई है उसमें टेंसर वाला पार्ट नहीं है, या तो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा हो तो अपने आप लिख ले कर लेना, नहीं तो फिर मैं उसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी, आप लोग बोल देना मुझे टेंसर वाले पार्ट के भेजने हो तो। ओके अपने आप पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नोट्स बना के भेजूंगी यहाँ से। बाकी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैकोबियन और डिराक डेल्टा फंक्शन, ये सब है उसके अंदर। बस एक टेंसर वाला ऐसा पार्ट है जो नहीं है, टेंसर ही टेंसर। डिराक डेल्टा फंक्शन है, जैकोबियन है और ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा है, टेंसर वाला पार्ट नहीं है। टेंसर वाला अगर बोलेंगे तो आप, मैं नोट्स यहाँ से बना के भेजूंगी, नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे जब मैंने पढ़ाया था, तब कर लेना। ओके चलिए ठीक है, बाकी 17 से लेते हैं क्लास। कौन सा है